नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है बोले हरियाणा का, और बोले हरियाणा में सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा में खाली पड़े पदों को लेकर, क्योंकि हरियाणा में खाली पड़े पदों पर भर्ती की मांग को लेकर युवा अब सड़कों पर उतर आए। आए दिन युवाओं की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अब पलवल में काफी समय से लंबित पड़ी भर्तियों को लेकर युवाओं ने एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। जिले के युवा बस स्टैंड चौराहे पर इकट्ठा हुए और शहर में जुलूस निकालते हुए लघु सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम तहसीलदार संजीव नागर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने शिक्षा को टैक्स फ्री करने, सेना और हरियाणा पुलिस में भर्तियां शुरू करने, इसके साथ ही सीईटी परीक्षा कराने, शिक्षा को कर्ज मुक्त कराने जैसी तमाम मांगों को लेकर ये प्रोटेस्ट किया। आज इसी को लेकर हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि सेना में भर्ती आखिर कब शुरू होगी। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 01204039391 और 01204039961, 01204039983 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम की डिफेंस की भर्ती 3 साल से अटकी पड़ी है। एयरफोर्स ले लो चाहे नेवी ले लो चाहे आर्मी ले लो, भर्ती कैंसिल फिजिकल हो गया, लेकिन 2 साल हो गए टेस्ट नहीं हो रहा। अब सरकार बोल रही है कि 4 साल के लिए नया नियम लाने वाले हैं जो टेम्परेरी भर्ती की जाएंगी। और सरकार हरियाणा सरकार की बात करें तो 2019 में इन्होंने इलेक्शन के टाइम पे भर्ती की थी, उस टाइम पे इन्होंने 2 महीने के अंदर सारी भर्तियां फेयर कर दी। उस टाइम से आज 3 साल हो गए हैं, कोई भर्ती नहीं हो रही। 2024 के में टारगेट है, ये बच्चों को बहका रहे कि हम जल्दी भर्ती करेंगे 24 तक फिर इनको। मांग ये है कि हम पलवल से ही है, हमारी मांग ये है कि हमारी जितनी भी भर्तियां उनको जल्दी से जल्दी किया जाए। जैसे कि हमारी हरियाणा पुलिस की भर्तियां अध्यापक की है, और हरियाणा सरकार ये कहती है कि हम भर्तियों को फेयर करते हैं, उन्होंने बहुत करप्ट फैला रखा है सरकार में। हम चाहते हैं कि भर्ती फेयर हो और उनका एक टाइम पीरियड बने, कैलेंडर बने। हमारी सरकार से यही बात है, जितनी भर्तियां रुकी हैं उनको पूरी करें और अध्यापक की भर्तियों को जरूर। हमारी भर्ती पूरी नहीं हो रही है, सीटी के एग्जाम की डेट जल्दी दो, अध्यापक की भर्ती पूरी करो, आर्मी की जल्दी दो, इस चीज की मांग है हम सबको। आर्मी के हैं, पुलिस के हैं, अध्यापक के हैं और बहुत सारे बच्चे। तो युवाओं का आपने सुना, युवाओं का यह कहना है कि कोरोना तो खत्म हो चुका है, कोरोना के मामले ऐसा नहीं है। हालांकि अभी भी देश में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, और कोरोना की वजह से ही भर्तियों पर रोक लगाई गई थी। लेकिन 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और अभी तक इन भर्तियों को शुरू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वो बेरोजगार घूम रहे हैं। और इसीलिए सेना भर्ती पर लगी रोक को अब सरकार को हटाना चाहिए और सेना भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर इन युवाओं ने ये मोर्चा खोल दिया है, हल्ला बोला है सरकार के खिलाफ। उन्होंने धरना दिया, प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, और इनका कहना है कि सरकार अब हमारे बारे में सोचे, पिछले 2.5-3 साल से बंद पड़ी इन भर्तियों को शुरू करे। इनका यह दावा है कि हरियाणा में बहुत सारे ऐसे पद खाली हैं जिनको भरा जाना बाकी है, लेकिन सरकार भर्ती शुरू नहीं कर रही है और इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, बेरोजगारी की समस्या का सामना हमें करना पड़ रहा है। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि अगस्त में सरकार की ओर से भर्तियों को एक बार फिर से शुरू किया जा सकता है, सरकार ने इसके लिए बाकायदा एक कैलेंडर बना लिया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन इन युवाओं का ये कहना है कि अब उनका जो पेशेंस है वो खत्म हो रहा है, अब वो धैर्य नहीं रख पा रहे हैं और इसीलिए सरकार को अब बिना देरी किए सेना की भर्तियों को शुरू करना चाहिए। ना केवल सेना की भर्ती बल्कि टीचर्स की भर्ती, सीईटी की भर्ती और भी बाकी जो भर्तियां हैं उनको भी सरकार को शुरू करना चाहिए, ताकि जो बेरोजगारी के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं प्रदेश में, उन पर भी अंकुश लग पाए। और इसीलिए ये युवा लगातार सड़कों पर आ रहे हैं और सड़कों पर आकर अपनी मांग को पूरा करने की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। ना केवल पलवल, ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं ये पलवल की तस्वीर है, लेकिन इससे पहले लगातार हरियाणा के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आती रही। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर सेना की भर्ती कब शुरू होगी। भर्ती के अलावा इनका यह भी कहना है कि शिक्षा को टैक्स फ्री किया जाए, इसके अलावा शिक्षा को कर्ज मुक्त किया जाए, अच्छी शिक्षा और रोजगार लोगों को दिया जाए, सेना भर्ती पर जो रोक लगी हुई है उसको बहाल किया जाए, इसके अलावा अध्यापकों की भर्ती की जाए, डॉक्टर्स की भर्ती की जाए। यानी कि कुल मिलाकर के युवा अब अपने अधिकार की मांग को लेकर, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं और उनका यह कहना है कि लंबित भर्ती को पूरा किया जाए, शिक्षा और रोजगार जो उनका अधिकार है वो अधिकार अब उनको मिलना चाहिए और इसीलिए सरकार को अब बिना देरी किए सेना भर्ती पर लगी रोक को शुरू करना चाहिए। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं,
हमारा जो नंबर है वो हालांकि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, वहां से ये नंबर देखने के बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से हम ये नंबर रिपीट कर देते हैं, 0120-403-9931, इसके साथ ही 0120-403-9961, इसके अलावा 0120-403-9983। ये हमारे तीन नंबर्स हैं, इन तीन नंबर्स में से किसी भी एक नंबर पर अगर आप हमें कॉल करेंगे तो आप सीधी बातचीत हमसे कर पाएंगे, आप अपनी राय रख पाएंगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी राय को रखें और इस पूरे मामले को लेकर आप हमें बताएं कि कितनी दिक्कतें हो रही हैं। आप अगर युवा हैं, आप भी सेना की भर्ती कर रहे हैं, पिछले काफ़ी समय से सालों से आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है। आप सेना में भर्ती होना तो चाहते हैं लेकिन क्योंकि भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू नहीं है और इसी वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम हमेशा आज का सवाल में या बोले हरियाणा कह लीजिए, इसमें हम ऐसे ही मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे होता है। हमारी ये गुजारिश है कि आप हमें कॉल करें, कॉल करने के बाद इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी राय जाहिर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि जो भी नुमाइंदे होते हैं, जो सरकारी नुमाइंदे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनकी जिम्मेदारी है उन समस्याओं का समाधान करने की, उन तक ये बात आपके पहुँचे और आपकी समस्या का समाधान हो, यही हमारा मकसद होता है बोले हरियाणा में जो भी मुद्दा हम उठाते हैं। और आज का जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पिछले कई सालों से हम कोरोना काल में जी रहे हैं। कोरोना की वजह से सेना की जो भर्तियां हैं उस पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि सेना की भर्तियों पर लगी रोक को हटाया नहीं गया है, बहाल नहीं किया गया है, सेना की भर्तियों को नहीं निकाला गया है। केंद्र सरकार पर भी ये आरोप लग रहे हैं। आपको याद होगा कि अभी कुछ महीने पहले की बात है जब एक कार्यक्रम हो रहा था और उसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में पहुंचे थे और उस कार्यक्रम में भी युवाओं की ओर से नारेबाजी की गई थी और ये कहा गया था कि सेना की भर्ती को बहाल किया जाए। तो रक्षा मंत्री की ओर से इस बात का आश्वासन युवाओं को दिया गया था, बच्चों को दिया गया था कि सेना की भर्तियों को बहुत जल्द बहाल कर दिया जाएगा, एक बार फिर से भर्तियां शुरू की जाएंगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कोरोना की वजह से ये इन भर्तियों पर रोक लगाई गई थी और इसीलिए सरकार इन भर्तियों को अब जल्द बहाल कर देगी। जो जानकारी है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अगस्त में, यानी कि मई का ये महीना चल रहा है, जून जुलाई अगस्त दो तीन महीने के भीतर भीतर ये भर्तियां एक बार फिर से बहाल कर दी जाएंगी, इन भर्तियों को फिर से शुरू किया जाएगा, भर्ती प्रक्रिया फिर से जारी हो जाएगी। लेकिन युवाओं का जो मनोबल है वो टूट रहा है, युवाओं का जो धैर्य है वो अब कम हो रहा है और वो धैर्य नहीं रख पा रहे हैं और इसीलिए अब युवा जगह जगह सड़कों पर उतर कर अपनी मांग पूरी कर रहे हैं, पूरी करने की गुहार लगा रहे हैं और उनका ये कहना है कि सरकार को अब इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। चलिए एक बार फिर से हम सुनवा देते हैं इन युवाओं की क्या मांग है और ये क्या कह रहे हैं, सुनिए आप। चलिए सुनवाएंगे हम आपको, लेकिन फिलहाल हमारे साथ हमारे एक दर्शक जुड़ गए, बाहुबली जी बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर, क्या कहेंगे आप, क्या राय है आपकी? बाहुबली जी आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? चलिए लगता है संपर्क टूट गया हमारा। चलिए वो सुनवाते हैं हम क्या कह रहे हैं युवा, क्या है इनकी मांग और किस तरीके से अपनी पीड़ा और दर्द को ये बयां कर रहे हैं। तीन साल से अटकी पड़ी है, एयरफोर्स से लो टाइम नेवी ले लो चाहे आर्मी ले लो, भर्ती कैंसिल फिजिकल हो गया लेकिन दो साल हो गए टेस्ट नहीं हो रहा। अब सरकार बोल रही है कि चार साल के लिए नया नियम लाने वाले हैं जो टेम्पररी भर्ती की जाएंगी। और सरकार हरियाणा सरकार की बात करें तो 2019 में इन्होंने इलेक्शन के टाइम पे भर्ती की थी, उस टाइम पे इन्होंने दो महीने के अंदर सारी भर्तियां फेयर कर दी, उस टाइम से आज चार साल तीन साल हो गए हैं कोई भर्ती नहीं हो रही। 2024 के में टारगेट है, ये बच्चों को बेकार है कि हम जल्दी भर्ती करेंगे, जल्दी भर्ती करेंगे, 24 तक फिर इनको। मांग ये है कि हम पलवल से ही है, हमारी मांग ये है कि हमारी जितनी भी भर्तियां उनको जल्दी से जल्दी किया जाए, जैसे कि हमारी हरियाणा पुलिस की भर्ती है, अध्यापक की है, और हरियाणा सरकार ये कहती है कि हम भर्तियों को फेयर करते हैं, उन्होंने बहुत करप्ट फैला रखा है सरकार में, हम चाहते हैं कि भर्ती फेयर हो और उनका एक टाइम पीरियड बने, कैलेंडर बने, हमारी सरकार से यही बात है, जितनी भर्तियां रुकी हैं उनको पूरी करें और अध्यापक की भर्तियों को जरूर। हमारी भर्ती पूरी नहीं हो रही है, सीटी के एग्जाम की डेट जल्दी दो, अध्यापक की भर्ती पूरी करो, आर्मी की जल्दी दो, इस चीज की मांग है हम सब। आर्मी के हैं, पुलिस के हैं, अध्यापक के हैं और बहुत सारे बच्चे। एक बार फिर से हमारे दर्शक, बाहुली जी बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर, क्या राय है आपकी, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। जी नमस्कार।
देखो जी, आज जो देश जिस कंडीशन पर है वो कहीं ना कहीं राजनीति के लोगों के हाथ में है, और राजनीति जो लोग हैं वो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, जो अपनी पूरी जिंदगी अपनी जो पढ़ाई लिखाई में लगा देते हैं, उनका पेरेंट्स जो है उनका भविष्य सुधारने के लिए नौकरी जो है वो सबसे जरूरी है, देश के नौकर जरूर बनना चाहते हैं, लेकिन जो देश के राजनीतिक लोग हैं वो कहीं ना कहीं उससे पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार ना मिलना, और बेरोजगारी के कारण जो बच्चे आज अपराध की तरफ जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, देश का भविष्य कहीं ना कहीं लगता है कि अंधकार में है। और अंधकार का कारण वो कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक लोगों का कारण है, और राजनीतिक जब अपने जो है सरकार जो होती है और वो पढ़ाई लिखाई की बात करती है, और पढ़ाई लिखाई का कारण ये भी है कि बच्चे अपनी पूरी जिंदगी जो है पढ़ाई पर लगा देते हैं, फिर उनको रोजगार नहीं मिलता, बेरोजगारी का कारण होता है, अपराध की तरफ चले जाते हैं, नशे की तरफ चले जाते हैं, जिसका कारण कहीं ना कहीं सरकार का होता है। अगर आप अतीत में भी जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं जो राजा होते हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि प्रजा को सुख दे दुख ना दे, लेकिन दुखी जो है वो प्रजा आज भी दुखी है कि जिन बच्चों के ऊपर पूरा का पूरा भविष्य लग जाता है, परिवार जो है उस पर उसको पढ़ाई लिखाई में लगा देता है। यानी कि एक बच्चे का ये मानिए कि आपको 15 से 20 साल लग जाते हैं अपने भविष्य, रोजगार नहीं मिलता। तो बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका बाहुबली जी। तो हमारे साथ सोनीपत से हमारे एक दर्शक बाहुबली जी थे, जिनका ये कहना है, और बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप कि अगर युवाओं के पास रोजगार नहीं होगा, बेरोजगारी होगी, तो कहीं ना कहीं उनका भटकाव होता है, और उनका जो भटकाव होता है उसकी वजह से वो दूसरी जो चीज़ें होती हैं जो कि उनके हिसाब से वो ठीक नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो उसमें संलिप्त हो जाते हैं। चाहे वो नशे के कारोबार की बात करें, नशा करने की आदत की बात करें, नशे की लत की हम बात करें, या फिर अपराध, अब क्योंकि क्राइम का रेट भी लगातार बढ़ रहा है, और बहुत सारे ऐसे बेरोजगार युवा हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर काफ़ी दुखी भी हैं कि अगर बेरोजगारी की समस्या को दूर नहीं किया गया तो उनके लिए और ज़्यादा समस्या पैदा हो सकती है। दिल्ली से हमारे एक और हमारे दर्शक हैं, अनूप हमारे साथ जुड़ गए। अनूप जी, बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर, क्या कहेंगे आप? हाँ सर जी, जो ये भर्ती के बारे में जो युवा बोल रहे हैं ना, ये सर सरकार का इसमें दोष नहीं है। देखिए, सबसे पहले अपने देश की बढ़ती हुई जनसंख्या देखियो सर जी, सबसे जो बड़ा दोष है वो जनसंख्या वृद्धि का सर, नहीं सरकार का है। क्योंकि सरकार जो भर्ती करती है ना सर, वो एरिया वाइज और जनसंख्या वाइज करती है सर जी। ये नहीं कि सारे हरियाणा से ले लेंगे, सबको यूपी से ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनको पूरे भारत से नौजवान लेने होते हैं सर, और जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई है, जनसंख्या के अनुरूप भर्ती होती है, जनसंख्या घनत्व डेंसिटी पॉपुलेशन की उसके अनुसार सेना में भर्ती होती है। और ये जो बढ़ती है जनसंख्या सर, आगे वाले टाइम में हर समस्या बढ़ेगी देश की सर, हर समस्या, जितनी भी समस्या है बेरोजगार की वो सबसे रोज दिन पर दिन बढ़ेंगी, क्योंकि इसके लिए जिम्मेवार केवल बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि है, सरकार नहीं इसकी जिम्मेवार। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका रूप जी। देखिए, इसीलिए हम चाहते हैं कि हर विषय को लेकर हम अलग अलग लोगों की राय जानें, अलग अलग लोगों को हम मौका देते हैं कि आप अपनी बात रखें। और देखिए, यहाँ पर देखिए, अभी तक 2 से 3 लोगों ने हमें कॉल किया है, और किस तरीके से अलग अलग विचार यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। हर किसी की अपनी सोच, अपने विचार होते हैं। इसके पहले जो हमारे साथ दर्शक थे, उनका यह कहना था कि अगर बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी तो युवाओं का मनोबल तो टूटेगा ही, लेकिन वो नशे की तरफ जाएंगे, वो अपराध की तरफ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अनूप जी, जो कि दिल्ली से हमारे साथ मौजूद थे, उनका यह कहना है कि अगर सरकार की इसमें किसी तरह कोई गलती नहीं है, सरकार अपने हिसाब से भर्तियां करती है, लेकिन सरकार का रोजगार देने का लोगों को एक सिस्टम है और एक उसकी सीमा है। उनका यह मानना है कि जनसंख्या वृद्धि जिस तरीके से लगातार हो रही है, देश के अंदर जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है, उसकी वजह से हर किसी को नौकरी देना वो सरकार के वश में नहीं है। ये बात सही है, लेकिन सच ये भी है कि जनसंख्या वृद्धि अगर हो रही है तो संसाधन भी तो बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर ये सिर्फ ये कह देना कि जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए सरकार नौकरी नहीं दे सकती है, ये भी उचित नहीं है। लेकिन फिर भी हर किसी की अपनी सोच, हर किसी की अपनी एक राय है। युवा पढ़ा लिखा है तो वो नौकरी मांगेगा ही, रोजगार उसको चाहिए, क्योंकि बिना रोजगार के उसका काम नहीं चलने वाला है। अगर उसको पेट पालना है अपना, अपने परिवार का, तो उसको रोजगार चाहिए ही होगा, चाहे वो निजी सेक्टर में हो या फिर वो सरकारी यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो या फिर सरकारी क्षेत्र में, रोजगार हर किसी के लिए जरूरी है। और इसीलिए ये युवा आज सड़कों पर हैं, और इनकी मांग है
कि सेना भर्ती पर लगी रोक को बहाल किया जाए। इसके अलावा इनकी मांग ये भी है कि शिक्षा को कर्ज मुक्त किया जाए और शिक्षा को टैक्स फ्री किया जाए, टीचर्स की भर्ती की जाए, यानी कि अपनी तमाम मांगों को लेकर ये युवा जो हैं वो सड़कों पर हैं। और इसीलिए हम इसको लेकर आपकी राय भी जानना चाहते हैं। आप भी हमें कॉल करिए, आप भी हमें बताइए कि आप इस पूरे विषय को कैसे देखते हैं। आपको लगता है कि इन युवाओं की मांग जायज़ है? क्या आपको लगता है कि सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, इसमें जो देरी हो रही है उसकी वजह से कोरोना भी हो सकता है? हालांकि अब कोरोना के मामले उतने ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहे हैं, बहुत कम संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। और अगर हम फीसदी की बात करें, यानी कि अगर हम कोरोना दर की बात करें तो वो बहुत कम है, 0.60% के हिसाब से अभी देश के अंदर कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कोरोना के मामलों को देखते हुए अगर भर्ती पर अभी भी रोक है या भर्ती को अभी बहाल नहीं किया गया है तो ये कह देना कि इसकी भी एक वजह हो सकती है, ये तो उचित नहीं है। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि सेना की जो भर्ती है उसको शुरू कब किया जाएगा। सवाल ये है कि जो लोग शिक्षा के अधिकार की बात कर रहे हैं, हालांकि सरकार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, काम भी किए जा रहे हैं, लेकिन इन युवाओं का यह कहना है कि पहले उनको शिक्षा के लिए मुश्किल होती है, जब उनको शिक्षा मिल जाती है तो फिर उनको रोजगार चाहिए होता है, फिर रोजगार के लिए उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। इसको लेकर आज हम भी आपकी राय जानना चाहते हैं। आप हमें कॉल करिए 0120-403-9931, 0120-403-9961। इसके अलावा एक और नंबर आपके पास है, एक और विकल्प आपके पास है, यानी कि अगर ये दोनों लाइन बिजी रहती हैं तो आप हमें 0120-403-9983 पर भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय को जाहिर कर सकते हैं। आप हमें कॉल करिए, अपनी राय जाहिर करिए। आपकी कॉल, आपकी राय, आपके विचार हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और हम चाहते हैं कि आपकी समस्या का समाधान हो। जो आपकी समस्या है उसको हम जो जनता के जो नुमाइंदे हैं, या यूं कह लीजिए कि जो सरकारी नुमाइंदे हैं, जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करें, वो आपकी मांग को पूरा करें, हमारी कोशिश होती है कि उन तक भी हम आपकी आवाज़ को पहुंचाएं, आपकी आवाज़ को बुलंद करें। और यही वजह है कि आज, क्योंकि ये पलवल का मामला नहीं है, ना सिर्फ पलवल में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, इससे पहले भी लगातार हरियाणा के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हरियाणा की भी बात नहीं है, पूरे देश में कई जगह ऐसी हैं जहां पर अब ये मांग उठने लगी है। युवाओं की ओर से ये कहा जा रहा है कि अब भर्ती प्रक्रिया को सरकार को तेज करना चाहिए क्योंकि कोरोना काल लगभग समाप्त हो चुका है। ऐसे में अब इस पर रोक लगाना या इसको बंद पड़े रहना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इससे बेरोजगारी की समस्या और ज्यादा गंभीर रूप ले रही है। और दिल्ली से विराट हमारे साथ जुड़ गए, हमारे एक और दर्शक। विराट जी, बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर, क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? नमस्कार, मेरा तो यही मानना है कि जो कोरोना टाइम से जो भी भर्तियां अभी रुकी हुई है, सेना नहीं, सेना के अलावा भी बहुत सारी भर्तियां हैं जो निकलती हैं, एग्जाम भी हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं। और सेना भर्ती की बात करें तो सेना भर्ती तो 3 साल से हुआ ही नहीं है हरियाणा के अंदर, और जो नहीं होते उसका कारण ये बनता जा रहा है कि युवाएं जो है नशे की लत और सुसाइड जैसे कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को जो भर्ती प्रक्रिया है उसको बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए, और जो सेना भर्ती हो या फिर पुलिस भर्ती हो, जो भी हो, इसे तुरंत अपने लिहाजे में इसको एग्जाम कराना चाहिए और युवाओं को मौका देनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका विराट जी। तो देखिए, यहाँ ये कहा जा रहा है कि ना केवल सेना की भर्ती की बात हो रही है, यहाँ पुलिस भर्ती की बात भी हो रही है, यहाँ पर डॉक्टर्स की भर्ती की भी बात हो रही है, यहाँ पर अध्यापकों की भर्ती की भी बात हो रही है, यहाँ पर शिक्षा की बात भी हो रही है, यहाँ पर रोजगार की बात भी हो रही है, शिक्षा को टैक्स फ्री करने की बात भी हो रही है, और मांग ये भी हो रही है कि अच्छी शिक्षा यानी कि क्वालिटी एजुकेशन भी लोगों को मिलनी चाहिए, युवाओं को मिलनी चाहिए, जिसके वो हकदार भी हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सेना की भर्ती कब शुरू होगी। हालांकि एक अच्छी खबर आज सामने आई और प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस बात की जानकारी दी है कि डॉक्टर्स की भर्ती 1 जून से शुरू की जाएगी और काफी संख्या में डॉक्टर्स की भर्ती हरियाणा में आने वाले समय में होनी है। ये एक अच्छी खबर उन लोगों के लिए हो सकती है जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि वो सरकारी डॉक्टर बने, किसी सरकारी अस्पताल में वो बैठें, किसी सरकारी अस्पताल में वो अपनी ड्यूटी निभा सकें, अपने कर्तव्य का पालन करें। तो उनके लिए ये खुशखबरी हो सकती है क्योंकि डॉक्टर्स के भी बहुत सारे पद हरियाणा के अंदर खाली पड़े हैं। ऐसे में सरकार ने अब कोशिश की है कि इन पदों को भरा जाए। आज ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि 1 जून से जो भर्ती प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाएगा और आने वाले समय में डॉक्टर्स की भर्ती की जाएगी।
लेकिन सवाल यह है कि डॉक्टर्स की भर्ती तो होगी, लेकिन सेना में भर्ती कब होगी, पुलिस में भर्ती कब होगी, या बाकी जो लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में भर्तियां कब होंगी, उसके लिए सरकार का क्या रोडमैप होगा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप भी अपनी राय जाहिर करें, आप भी हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 0120-403-9931, 0120-403-9961, 0120-403-9983 पर भी आप हमें कॉल करके अपनी राय को जाहिर कर सकते हैं। आपकी राय का हम इंतजार कर रहे हैं। और जिस तरीके से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हम जन सरोकार से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, जो जिनका सीधा सरोकार आपसे होता है, जिनका सीधा इंपैक्ट आपके ऊपर होता है, ऐसे ही मुद्दों को, ऐसे ही मसलों को हम बोले हरियाणा में उठाने की कोशिश करते हैं कि प्रदेश में कोई भी अगर ऐसा मसला सामने आता है, ऐसा मामला सामने आता है, तो उसको हम उठाएं। और जो संबंधित नुमाइंदे हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, संबंधित जो कर्मचारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन तक आपकी आवाज पहुंचे और आपकी समस्या का समाधान हो, ये हमारी कोशिश होती है। तो हम सरकार तक आपकी आवाज को आज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि सेना में भर्ती शुरू होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं कि आपका जो अधिकार है वो आपको मिलना चाहिए, लेकिन सरकार की ओर से ये कहा गया कि कोरोना काल है और कोरोना की वजह से इन भर्तियों पर ब्रेक लगाया गया था, लेकिन अब अगस्त में भर्तियों को एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। जानकारी तो ये भी मिल रही है कि बाकायदा सरकार की ओर से पूरा का पूरा एक रोड मैप जो है वो तैयार किया गया है, पूरा एक कैलेंडर बनाया गया है कि किस तरीके से अब भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाए। अगस्त के महीने में ये भर्तियां शुरू हो सकती हैं, जो जानकारी हमारे पास है, जो मिल रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है। और सरकार ने इसका रोड मैप जो है वो भी बना लिया है कि किस तरीके से इन भर्तियों को आगे बढ़ाया जाए, इन भर्तियों को शुरू किया जाए। युवाओं की मांग जायज हो सकती है, लेकिन सरकार की भी अपनी दलील है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इन युवाओं की मांग सरकार सुनेगी, अगर सुनेगी तो कब सुनेगी। इनकी गुहार जो बार बार ये लगा रहे हैं कि सेना की भर्ती को शुरू किया जाए, पुलिस की भर्ती को शुरू किया जाए, टीचर्स की भर्ती को शुरू किया जाए, या बाकी अन्य विभागों में जो पद खाली पड़े हैं उन पदों को भी भरा जाए, इस पर सरकार आने वाले समय में किस तरीके से कदम उठाएगी, क्या कदम उठाएगी, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। हमारे साथ हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं, दुर्गेश पांडे हमारे साथ हैं गुरुग्राम से। जी दुर्गेश जी बोलिए, क्या राय है आपकी? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि बेरोजगारी की समस्या तो पूरे देश में है ही, और जो युवक हैं वो लगातार तैयारी करते रहते हैं और जब भर्तियां नहीं आती हैं तो धीरे धीरे करके उनकी उम्र भी निकल जाती है। इसके लिए सरकार को इस बात पर तो ध्यान देना ही चाहिए कि वो मतलब एक नियमित समय पर, एक फ्रीक्वेंटली समय पर भर्तियां निकालती रहे, जिससे जो युवा तैयारियों में लगे रहते हैं, क्योंकि वो लगातार दौड़ते रहते हैं, सुबह 4 बजे उठ कर दौड़ना शुरू कर देंगे और वो पढ़ाई फिर फिजिकल मेहनत दोनों करते रहते हैं। तो इसलिए सरकार को तो भर्तियां लगातार निकालती रहनी चाहिए, जिससे युवाओं को रोजगार मिले और उनका जो सपना है सेना में जाने का वो पूरा हो। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका दुर्गेश पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुरुग्राम से हमारे एक दर्शक दुर्गेश पांडे हमारे साथ मौजूद थे। तो ये आप देख भी पा रहे हैं जो बैनर पोस्टर लिए हुए हैं ये युवा हाथों में, उसमें लिखा है कि शिक्षा और रोजगार ये है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर।